देवप्रयाग के पास पहाड़ में अचानक बादल फटने से शांता नदी उफान पर आ गई। अचानक जल स्तर बढ़ने से देवप्रयाग बाजार के करीब एक दर्जन दुकानें मलबे में तब्दील हो गई। आईटीआई भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर बनी पुलिया भी बहने की जानकारी मिली है। हालांकि लॉकडाउन होने की वजह से जान का नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। सुरक्षा के मद्देनजर एसडीआरएफ ने मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी मुनादी कर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। एक सप्ताह में बादल फटने की दूसरी घटना से लोगों में दहशत देखने को मिली है। एक ओर जहां कोविड-19 की जंग से लोग लगातार लड़ रहे हैं, वहीं प्राकृतिक आपदा लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार बादल फटने की घटना के बाद से जल आपदा की यादें ताजा हो रही हैं। मई के महीने में बादल फटने की ये तीसरी घटना है। इससे पहले 3 मई को चमोली और 7 मई को नई टिहरी में बादल फटने की घटना हो चुकी है। 3 मई को चमोली जिले के घाट ब्लॉक में बिनसर पहाड़ी की तलहटी में 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटना हुई थी, जिससे घाट बाजार में तबाही मच गई थी। मलबे में 30 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि 25 दुकानें नष्ट हो गई थी। इसके बाद 7 मई को नई टिहरी में जाखणीदार ब्लॉक के पिपौला में बादल फटने के कारण कई घरों और दुकानों में मलबा घुस गया था। गांव के करीब 16 मकान खतरे की जद में आ गए थे और एक बार फिर से बादल फटने की घटना से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की है और हर संभव मदद की बात कही है। आज 5 बजे के लगभग ऊपर दसरा डांडा में बादल फटा है, जिस कारण ये जो देवप्रयाग के पास गदेरा था इसमें काफी पानी बढ़ गया है और एक बहुत तेज हवा थी। इसमें एक झटका ऐसा आया कि सारी बिल्डिंग जो हमारी आईटीआई की बिल्डिंग है या नगर निगम की, यह पूरी जमीन दराज हो गई है। करीब 12-13 दुकानें बैठ चुकी हैं और इसमें जो आसपास के लोग हैं उनको हमने सतर्क कर दिया गया है, पूरा अनाउंसमेंट कर दिया गया है और इनसे पता लगा जा रहा है कि इन दुकानों में कोई था तो नहीं। वैसे अनुमान ले जा रहा है कि लॉकडाउन होने के कारण आज इनमें कोई नहीं था, फिर भी हम लोग पता लगा रहे हैं, लेकिन इसमें संपत्ति का और काफ़ी नुकसान हो रहा है।